हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 12 अक्टूबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 43, ये आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है बच्चे, और इस वर्कशीट का टॉपिक आपके पास क्या है कि एक ही बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होगा कि कोई हमारे पास वृत्त होगा और उस वृत्त पर हमारे पास एक बिंदु होगा, और फिर हमें ये देखना है कि क्या हम स्पर्श रेखा वहाँ पर खींच पा रहे हैं, और अगर खींच पा रहे हैं तो फिर वो स्पर्श रेखाएँ कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आज का है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ज़रा हम याद कर लेते हैं जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। तो एक रिक्त स्थान वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। आप बताएंगे बेटा कि वृत्त जो होता है इसको दो बिंदुओं पर, मतलब एक यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जाए ए, और दूसरा बिंदु अगर हम यहाँ पर ले लें बी, तो इसको दो बिंदुओं पर जो स्पर्श करती है उसे आप क्या कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि आप उन्हें क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, तो एक जीवा जो होती है वो क्या करती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि एक रिक्त स्थान वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, जीवा तो स्पर्श करती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रतिच्छेद करना यानी कि काटना, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली जो रेखा होती है उसे आप क्या कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, छेदक रेखा, हम उसे कहेंगे छेदक रेखा। तो इसके बाद अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। देखिए, स्पर्श रेखा, ये आपके पास वृत्त है तो आप स्पर्श रेखा इस तरह से बनाते हैं, है ना, जो वृत्त को छूते हुए जाए। अब जो वृत्त को छूते हुए जाती है तो वो कितने बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिष्ठित करती है, एक बिंदु पर। और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये जो बिंदु है अगर आप इसे पी बिंदु ले तो आप इसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट का आंसर, स्पर्श बिंदु। तो इन सभी चारों प्रश्नों के बाद अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास, एक क्रियाकलाप, उसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाकलाप के अनुसार सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कागज पर एक वृत्त खींचना है। वृत्त तो आपको सभी को खींचना आता होगा बेटा। अब वृत्त आप खींच रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, और एक बिंदु कहाँ लेंगे, पी लेंगे, और वो भी इसके अंदर लेंगे। तो ज़रा देखिए आप ये वाला चित्र, यहाँ पे क्या है, एक वृत्त आपने बनाया हुआ है और इस वृत्त में आपने ये पी बिंदु जो है इस वृत्त के अंदर लिया हुआ है। फिर आपसे क्या कहा गया है कि क्या आप उस बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब देखो बेटा, ये जो बिंदु है पी वृत्त के अंदर है, तो क्या अंदर कोई भी बिंदु होगा तो क्या आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, नहीं खींच सकते ना। वेरी गुड, आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि भाई हम ये जो पी बिंदु है अंदर है, ठीक है, और स्पर्श रेखा कौन सी रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूते हुए जाए, यानी कि ऐसे स्पर्श करते हुए जाए। तो स्पर्श रेखा के लिए तो सिर्फ एक बिंदु चाहिए होता है, ओके, और वो बिंदु वृत्त के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है भाई, अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखा एक भी नहीं है, है ना, कोई भी नहीं है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जरा आप ये देखिए, अगर हम इस वाली रेखा की तरफ ध्यान दें तो ये जो रेखा है वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है ना। कौन कौन से बिंदु है, एक तो आपके पास ये वाला बिंदु है और एक ये वाला बिंदु है। अगर आप किसी दूसरी रेखा, इस वाली रेखा की बात करोगे, तो ये भी एक बिंदु इस पर और एक बिंदु इस पर काट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है और उस बिंदु से अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो वो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है, यानी कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये सही है। तो चलिए अब हम स्थिति दो की तरफ चलते हैं। स्थिति दो, इसमें हमारे पास वृत्त पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर हमें क्या करना है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए, ये आपकी है स्थिति दो, इसमें ये आपके पास वृत्त है और इस वृत्त में ये बिंदु आपके पास P है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। हमने स्पर्श रेखा खींची और वो हमारी रेखा ये है। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप खींच पा रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका परिणाम क्या होगा, कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है
अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि ये जो वृत्त है ना, इस पर हमने ये बिंदु लिया था, पी बिंदु। तो ये बिंदु कहाँ पर है? वृत्त पर है। तो जब वृत्त पर स्थित होगा तो उस बिंदु से हम केवल और केवल कितनी रेखा खींच पा रहे हैं? एक स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं। ठीक है बेटा, हमने दो स्थितियाँ देख ली। पहली स्थिति में वृत्त के अंदर पी बिंदु था और दूसरी स्थिति में वृत्त पर पी बिंदु है। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति में क्या है कि जो पी बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। ये देखिए, ये आपका पी बिंदु है, ये वृत्त के बाहर है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। भाई आपका प्रश्न देखो, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या परीक्षण करते हैं और आप कैसे बिंदु क्यू और को ज्ञात करते हैं, व्यक्त करते हैं? तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पी से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। हमने ये स्पर्श रेखा खींच भी दी, ये हमें आर बिंदु पर मिलती है इस वृत्त को, और यहाँ पर कहाँ मिलती है, क्यू बिंदु पर। क्या हम कोई और स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं यहाँ से? नहीं ना। तो हमने कितनी स्पर्श रेखा खींची वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से? दो स्पर्श रेखा हमने खींची है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु हमारे पास है ना, वृत्त के बाहर, तो हम उस बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं जो है खींच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो ही स्पर्श रेखाएँ हैं। और वो दोनों स्पर्श रेखाएँ क्या क्या हैं अगर आप उनका नाम बताएँ तो? तो यहाँ पर देखो, ये पी बिंदु है आपके पास और ये क्यू बिंदु है। तो ये एक रेखा हो गई है पी क्यू, और एक ये वाली रेखा है, ये क्या हो गई है, पी आर। तो जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू और पी आर है, और इनके स्पर्श बिंदु क्या क्या है? स्पर्श बिंदु का मतलब ये किन बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो एक बिंदु है क्यू और दूसरा बिंदु है आर। ठीक है बेटा, तो क्यू और आर क्रमशः स्पर्श रेखाएँ पी क्यू और पी आर के स्पर्श बिंदु है। अब आपके सामने एक प्रश्न है, क्या कि आपने स्पर्श रेखा तो खींच ली है, लेकिन इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? तो जो भी आपके पास बिंदु है, कौन कौन से बिंदु कि जहाँ से आप वृत्त की स्पर्श रेखा खींच रहे हो, मान लीजिए ये वाला बिंदु है आपका P और दूसरा बिंदु है हमारे पास स्पर्श बिंदु PQ, तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई होती है वो आपकी क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो आप यहाँ पर देखिए, बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, स्पर्श बिंदु यानी कि अगर आप Q की बात करोगे तो PQ तक, और अगर आप R की बात करेंगे तो PR तक। तो जो भी स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं उस रेखाखंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और जब आप इनको नापेंगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां बराबर होती है, अर्थात PQ बराबर होती है किसके, PR के। तो चलिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हम इनको समझते हैं। तो प्रश्न एक, इसके अनुसार क्या है कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती है? भाई अभी अभी तो आपने पढ़ा क्या कि PQ equals to PR, इसका मतलब ये हुआ स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो कैसी होती है, समान होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल स्पर्श रेखाएँ हैं, कितनी स्पर्श रेखाएँ? भाई वृत्त के बाहर P बिंदु है, मान लीजिए ये वाला P बिंदु, तो हम यहाँ से एक तो ये स्पर्श रेखा खींच पाते हैं और एक ये वाली स्पर्श रेखा खींच पाते हैं। इसका मतलब हमने कितनी स्पर्श रेखा खींची यहाँ पर, केवल दो स्पर्श रेखा। फिर तीसरा प्रश्न, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है क्या? भाई वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो क्या आप उससे कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं है, कोई स्पर्श रेखा नहीं है। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। अब इसके बाद मैं आपको बेटा एक संदेश देना चाहूँगी कि कोविड के लिए कि आपको क्या करना है, रेगुलरली नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है ताकि कोरोना वायरस आपसे बहुत दूर रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।